TechGeek. सब्सक्राइब कीजिए टेकीगीक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेकीगीक्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैंडलस्टिक के बारे में और इससे जुड़ी धारणाओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसने कैंडलस्टिक का आविष्कार किया था उनको उस समय के मार्केट का भगवान कहा जाता था और उस जापानीज ट्रेडर का नाम था मुनिशा होमा। बाद में स्टीव नेशन नाम के एक ट्रेडर ने इसका इस्तेमाल अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज और डाउ जोन्स के मार्केट में किया था और इस पर आधारित उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कैंडलस्टिक के बारे में। ये देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से चार्ट बनता है। देखिए, इस चार्ट में जो ग्रीन बॉडी है, जो ग्रीन वाला जो कैंडल है उसको बुलिश कैंडल और जो रेड वाला जो कैंडल है उसको बेरिश कैंडल कहते हैं। बुलिश और बेरिश का मतलब हम आगे समझेंगे। एक्चुअली कैंडलस्टिक का सारा खेल प्राइस की मूवमेंट से होता है। दोस्तों, कैंडलस्टिक और इससे जुड़े मार्केट के सेंटिमेंटल्स को जानने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपने साल भर कड़ी मेहनत करके कोई फसल उगाई और अब आप उसे अपनी जो गाड़ी है आपके पास उसमें भरकर मंडी ले जाकर बेचना चाहते हैं, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो या कोई और फसल हो। मान लीजिए आपने गेहूं पूरे साल उगाया और आप मंडी और आप जब उसको भरकर पूरा साफ सूफ करके अच्छे से उसको मंडी आप पहुंच गए, लेकिन जब पहुंचते हैं तो तब तक जो है मंडी क्लोज आती है और वहाँ पर जो प्राइस लिस्ट वाला जो बोर्ड होता है वहाँ पर आप देखते हैं कि सभी आइटम के प्राइस लिखे हैं और आप जो प्राइस देख रहे हैं, जो गेहूं लाए हैं बेचने के लिए, उसका जो प्राइस है, जो अंतिम प्राइस है मार्केट का, वो है 50 रुपये। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आपने देखा 50 रुपये लिखा है तो 50 रुपये बेचना होगा। इतने में एक आपके पास कोई ब्रोकर या कोई दलाल या वहाँ पर जो भी है वो आपके पास आता है, वो कहता है कि भाई आज तो बहुत बुरा हाल था, मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है और जो है 50 रुपये पर जो मार्केट जो है क्लोज हुआ है, मैं आपको जो है वो आपको ऑफ़र देता है कि मैं आपको 45 रुपये में आप ये सारा सामान उतार दूँ। तो आप सोचते हैं कि 50 रुपये पर मार्केट क्लोज हुआ है, मैं 45 रुपये पर क्यों दूँ? तो इतने में वो बोलता है आपसे कि भाई देखिए, मार्केट 50 रुपये क्लोज हुआ है लेकिन ओपन 60 पे हुआ था, लेकिन मार्केट का हाल इतना बुरा है, बुरा हुआ कि 50 पर क्लोज हुआ था, इसलिए आपको वो देता है 45 रुपये का, आप बेच दो। तो आप थोड़ा सोचते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि आपका जो पूरा जो माल है वो मार्केट आपको बेचना भी है, आपको सही डिसीजन भी लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आप सोचते हैं कि आप सारा माल उनको दे दें और निकल जाएं, लेकिन आप फिर से सोचिए कि आपकी जो पूरी मेहनत है वो आपके एक इसी डील पर निर्भर करती है। इतने में ही कोई एक और जो वहाँ पर ब्रोकर है वो आपके पास आता है, लेकिन उसको पहले से थोड़ा जानते हैं, तो वो आपको बताता है कि भाई ऐसा नहीं है, मार्केट में आज जो जो रेट है वो 70 रुपये तक गया था। अब आपका दिमाग और थोड़ा चकराता है कि भाई ये क्या है, आप जो आपको जानकारी मिली है अभी तक वो गलत है, आधी अधूरी जानकारी है। तो आप सोचते हैं कि 70 रुपये हाई तक गया था तो मैं 45 रुपये पे क्यों बेचूं? तो अब आप सोचने लगते हैं। तभी एक जो पहले जो ब्रोकर आपको मिला था वो आता है आपके पास, कहता है कि नहीं भाई 70 तो गया था लेकिन लो भी बताओ कि सबसे नीचे जो मार्केट है आज कितना गया था, तो इसका जो प्राइस है लो प्राइस है वो 40 तक गया था। तो आप सोचने पड़ जाते हैं कि क्या करें, कि मार्केट जो है पूरा उथल पुथल मार्केट में जो है प्राइस का मूवमेंट चल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पूरा जो प्राइस है, प्राइस के इर्द गिर्द मार्केट चलता है, ओपन के ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई बनाता है और लो बनाता है। मतलब कि ओपन जो प्राइस हुआ था वो 60 रुपये पर हुआ था, क्लोज वो 50 रुपये पर हुआ, लेकिन पूरे दिन का जो लो था उसका प्राइस जो था वो 40 रुपये था और जो हाई प्राइस बनाया था वो 70 रुपये था। यानी जो कैंडलस्टिक जो आपको दिखाता है वो पूरे दिन का हाई, लो, ओपनिंग और जो क्लोज प्राइस है वो आपको दिखाता है, यानी पूरा का पूरा जो खेल चलता है वो प्राइस मूवमेंट पर चलता है। और जो कैंडल प्रिपेयर होता है वो देखिए वो इस तरीके से होता है कि आप ये जो देख रहे हैं जो कैंडल इधर है, आप जो पहला पॉइंट है हाईएस्ट प्राइस फॉर द डे, यानी कि जो ये प्राइस है हाईएस्ट प्राइस जो होता है
वो ये होता है, ओपन जो होता है वो यहाँ से होता है, ओपन या क्लोज प्राइस, ठीक है। और ये जो पूरा जो मोटा सा एरिया है इसका, ये पूरी बॉडी होती है, ये रेड होती है या ग्रीन होती है। और ये जो नीचे वाला जो एरिया है नंबर चार जो पॉइंट किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये या तो ओपन होता है या क्लोज होता है, और जो सबसे नीचे होता है ये लोवेस्ट प्राइस होता है। तो जो हाईएस्ट और जो लोवेस्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट सबसे ऊपर, लोवेस्ट सबसे नीचे, और जो ओपन क्लोज है वो चेंज हो सकता है, बेरिश के लिए अलग होता है और बुलिश कैंडल के लिए अलग होता है। आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है यानी अप ट्रेंड में होता है, कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होता है, तो बुलिश कैंडल बनता है। यानी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा होता है, तब बेरिश कैंडल फॉर्म होता है इस तरीके से। तो जो कैंडल स्टिक है बेसिकली आपको उस पूरे दिन का जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो समझाता है, कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है कितने से ओपन हुआ है, कितना उसने हाई बनाया है, और कितना उसने जो है क्या उसका क्लोजिंग प्राइस है। चार, बेसिकली चार प्राइस पॉइंट होते हैं, ओपन, हाई, लोअर, क्लोज, इसके इर्द गिर्द पूरा मार्केट चलता है। तो अब जो सट्टा सट्टा लगाता है, जो सट कि भाई चलो खरीद लिया या बेच दिया तो ये अभी ऊपर जाएगा या सोचेगा, लेकिन सोचता है वो सट्टा लगाता है, यानी वो स्पेक्युलेशन करता है मार्केट में। लेकिन जो ट्रेडर होता है, जो असली ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, वो इन सारे जो प्राइस की मूवमेंट्स हैं उन पर नजर रखता है और अपनी ट्रेड्स लेता है। तो अच्छे ट्रेडर बनने के लिए इन जो कैंडल स्टिक है ये आपकी हेल्प करता है प्राइस की मूवमेंट को देखने में और समझने में। तो इसके हिसाब से आप एक जो आपके जो स्पेकुलेशन होती है उसको ना करके आप एक अच्छे ट्रेडर की तरफ बढ़ते हैं, जब आप इन सब प्राइस की मूवमेंट को देखकर कोई ट्रेड लेते हैं। तो ये पूरा जो जो वीडियो है इसको जरूर देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कैंडल स्टिक है वो किस तरीके से प्राइस को शो करता है, कैसे ये किस तरीके से सेंटिमेंटल चेंज होता है। बाकी जो कैंडल स्टिक बहुत बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी को धीरे धीरे एक एक करके मैं इसकी पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ आपको, हर एक प्रकार के कैंडल स्टिक उसमें आपको मैं समझाऊंगा एक वन बाय वन करके। तो दोस्तों प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे जो वीडियोस होंगी कैंडल स्टिक से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप उसको फ्री में देख पाएंगे यहाँ पर और सीख पाएंगे, और एक स्पेक्युलेटर से आप एक ट्रेडर की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।